मेजर फैक्ट, साइंस जो है जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है या हम किसी भी चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, साइंस वहाँ तक नहीं है। साइंस इस दुनिया की हर चीज़ के अंदर है। तो आज मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा और उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए समंदर का पानी। तो जल्दी से समंदर का पानी लेके आते हैं समंदर से। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि मैं समंदर में आ गया हूँ। अब हम यहाँ से समंदर का पानी लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि समंदर का पानी मैंने बोतल में ले लिया है और अब हम इस पानी को अपनी लैब में लेके जाएंगे और वहां पे एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि समंदर के पानी के साथ कौन सा एक्सपेरिमेंट हो सकता है। तो अगर आप किसी नदी या तालाब में नहाने जाते हैं तो वहां पे आपके डूबने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप समंदर में नहाने जाते हैं तो वहां पे आपके डूबने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। उसकी वजह क्या है आज हम इसी चीज को प्रूफ करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इसके लिए चाहिए सबसे पहले हमारा जो समंदर का पानी है जिसको हम लेके आए थे वो, उसके बाद नॉर्मल पानी जो नदी और तालाब का होता है, दो गिलास और दो अंडे। तो सबसे पहले हम पानी डालेंगे एक में समंदर का। हम दोनों में इन अंडों को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देख सकते हैं कि समंदर का पानी है उसके अंदर जो अंडा है वो ऊपर है, लेकिन जो आम पानी है नदी का पानी है उसके अंदर अंडा नीचे है। इसका मतलब ये है कि समंदर के पानी में अगर हम नहाने जाते हैं उसमें डूबने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। अगर हम नदी के पानी में नहाने जाते हैं तो उसमें हम डूब सकते हैं। अगर फ्रेंड्स इसकी वजह क्या है कि इसके अंदर अंडा ऊपर है और इसके अंदर अंडा नीचे है, इसके पीछे की साइंस क्या है? तो गाइस इसके पीछे की जो साइंस है वो ये है कि समंदर का जो पानी होता है वो हार्ड होता है, उसके अंदर काफी सोल्ट और मिनरल्स होते हैं जिसकी वजह से वो हार्ड होता है, और जो नदी और तालाब का पानी होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और अगर आप इसी तरीके की वीडियोस अच्छी अच्छी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय।